हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पापी। तो आज का वीडियो जो है कॉमेडी वीडियो होने वाला है, स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो होने वाला है। स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम है मुनव्वर फारूकी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इनकी फर्स्ट वीडियो स्टैंड अप कॉमेडी की पहली ही वीडियो वायरल हो गई थी और अच्छा खासा इनके ऊपर स्टैंड भी लिया गया था, क्योंकि ये जब बोलते हैं तब एकदम से बिंदास होके बोलते हैं। इनको कोई परवाह नहीं कि कौन क्या सोचता है या फिर मेरे ऊपर कितने केसेस लग सकते हैं या फिर मेरे दुश्मन बन सकते हैं, पर इनकी जो बात है एकदम से अच्छी तरह से कॉमेडियन लैंग्वेज में जो है वो कह देते हैं। पर बहुत लोगों को ये लग जाती है, रियलिस्टिक लगती है, मतलब कहते हैं ना कि ये बंदा मुझे ही कह रहा है, ऐसा वाला कुछ फील आ जाता होगा और इनके ऊपर केसेस लगते होंगे। तो ये पॉलिटिक्स के ऊपर जो है अपनी दमदार जोक्स मारते हैं, राय नहीं कहूंगी, जोक्स मारते हैं, और बहुत लोग इनको जो है हेट करते हैं, ट्रोल्स भी करते हैं, पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने जोक्स पर एकदम से अड़े रह जाते हैं। और ये जोक्स होते हैं, ये किसी को ऐसे एकदम से स्पीच वगैरह देकर कुछ कहा नहीं जाता है। तो मैं जो इसके ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ वो भी मुनव्वर फारूकी आज कौन से जोक्स पॉलिटिक्स के ऊपर फाड़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर। स्टार्टिंग ही बीजेपी के ऊपर से ही स्टार्ट हो गया और वो भी कंपेयर किया है विमल केसरी से। वाह। कमल का फूल तू खिलता जरूर पर कीचड़ में दबा तू चढ़ तक, कब तक करेगा तू कर्तव्य उस किसी। सो आई टेल यू अबाउट माय सेल्फ फर्स्ट, माय नेम इज मुनव्वर इकबाल फारूकी। फारूकी, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, सर्वाइव्ड इन गुजरात। यू नो गुजरात, गुजरात इज सर्वाइव फेस्टिवल, वी हैव नवरात्रि, वी हैव उत्तरायण, वी हैव रायट्स। रायट्स, या बट आई लव गुजरात, आई वाज देयर इन 2002। आप लोगों को नाइट में रात, हाँ, आपको नाइट में आता, लाइक कैसा आता है, लाइक कोई आपका पीछा कर रहा, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइट में आता है? मुझे तो आते पानी में डूब के मरने वाले। अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है अमिताभ बच्चन तो गुजारो गुजरात में। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी बचपन की, नवरात्रि, आई वाज वेरी लाइक यंग 10 इयर्स ओल्ड, मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग चार शादी करते। नहीं 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 नहीं, हमारे पास मतलब हमारी गली जो मोहल्ला है उसमें बहुत से ज़्यादा जो है मुस्लिम परिवार है, और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। और मेरी मॉम ने या फिर मेरे डैड ने फिर या फिर किसी और ने आके ये नहीं कहा कि इनके साथ खेलना मत, यहाँ पर जाना मत, क्योंकि ये लोग चार शादी करते हैं। मेरे साथ तो स्पेशली ऐसे नहीं हुआ। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी सौ सौ रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। आज लाइक आई एम बेटर। हां, नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। या कॉज मुझे नॉलेज कम है, मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नहीं नॉलेज, और कभी मैं भाई मुनव्वर तुझे डर नहीं लगता? कहाँ से सोच लेता है यार तू ऐसा? देता हूँ तो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर। कैंसर तो मुझे एक कमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादर चोर। उसने पहले हाय क्यों बोला? ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का? क्या मस्त आदमी है, बता दे। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया, इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले दो बार सोच लिया करो,
अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। Have you guys noticed? और ये सच बात है, अगर हम सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ गलती से बोल देते हैं या फिर अपनी राय रखते हैं तो पता नहीं हम राय रखने भी जाते हैं या फिर टाइप भी कर रहे होते हैं, शायद से वो लोग अपने जो कहते हैं ना रेडी रहते हैं कि आज किसका किसने हमारे नेता को बोल दिया, किसने हमारे हमारे पॉलिटिशियन पार्टी को बोल दिया, इसकी इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं या फिर छोड़ूंगी नहीं, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिकल बारे में बोलने के लिए डरते हैं अभी भी, पर ये फारूकी भाई कुछ अलग टाइप के। पोस्ट ऑफ मेडिकल स्टोर गिव सैनिटरी पैड रैप्ड इन अ न्यूज़पेपर, या दैट मेक्स सेंस और दैट्स व्हाट न्यूज़पेपर डू इन इंडिया, हाइडिंग रियलिटी। बड़े हमें मना करते कि इसके साथ मत खेलना, ये बच्चे से दूर रहना, हुआ मेरे साथ बहुत, बिकॉज़ वो बच्चा मैं था, मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं भी थी, बट घर वालों को पता, घर वालों खुद को राशि प्रोडक्शन समझते, उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया है, फर्स्ट है फारूक ही नहीं, फर्स्ट है फैंटम प्रोडक्शन ही। और इसका रीजन था घर वालों की नजर, सबका काम करना, सबकी बात मानना लाइक अ राम, और घर के बाहर किसी को भी मार देना कूट देना दादागिरी करना लाइक अ नहीं बजरंग दल। जान से नहीं मारता, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं है। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गाने सुनाओ, मैं भी यही बोलते सब लोग। चाची आती थी गॉसिप नहीं, and Imran Hashmi movies or porn movies for us, you guys agree what time mein, because usko crime petrol nahi tha, and aap log social media sab log use karte hain, like Instagram sab log use karte hain, aur ladke creative bhi nahi hai social media pe, ladkiya kafi creative hain, ha ladke photo dalte hain uske niche caption likhte hain McDonald's। हाँ, ये सही बात है। आग लगे तुम्हारे फोन को, यू जस्ट लीट माय सोल, आई विल सेट इट ऑन फायर, हैशटैग आउट ऑफ योर लीग। एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है, नीचे रख दे वो रिमोट है, कैप्शन था इनोसेंट एज फक। ओह, पता है ये सब यूज करते, टायर्ड एज फक, हंग्री एज फक, लाइक मुझे समझ में नहीं आता, लाइक ऐसे लगो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए, हमारे पास है। लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल, बट यू लुक क्यूट, ठीक है वो अभी ट्रांसलेट कर देगा पर कर देगा। हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट, ओके तो अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौधरी जैसा चंचल, इफ यू आर हंग्री यू लुक, अरे बोला ही तो ये ट्रांसलेट कर देगा, दैट्स रॉन्ग, व्हिच इज माय फेवरेट यू नो, single as fuck, which is fucking not possible. मैं काम सोच रहा था, बुक खोल के कंफ्यूज हो, अकेला चौदह वाला पोजीशन कौन सा है, गुलजार लिखा है क्या ये काम सोच, सी ये सब होता है। और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम, मोटिवेशन मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा, उस पे लिखा होता डोंट जस्ट ड्रीम वॉक फॉर इट, और पीछे एक अंग्रेज बंदा है सिगार हाथ में, दो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, बस लाइक तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, तू मुझे डिप्रेस कर रहा है, तूने दो लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी, राइट सेम कलर की, मैं इंडियन हूँ, मेरे घर में टूथब्रश भी सेम, सही है हाँ। एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी, ठीक है तो उसके दरवाजे से
और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते ऊपर पर। डोंगरी पे रहता हूँ, हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते हैं, एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते हैं, इतना पास सोते हम लोग। एक बार मैं अपने भाई के सपने में, इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था, इज लाइक जाके डैडी के पास, इमेजिन मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना। मुझे लगता है हम लोग इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते। साइन बोर्ड लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है। व्हाट लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी। See, I'm not making fun of old age people or Parsi, but budde थोड़े तो annoying होते हैं। हाँ। Yeah? एक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं कभी-कभी। तो वो बोर्ड लगा, उसमें शॉप बंद थी, ठीक है? तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद है। तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे। अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे 10 दिन के लिए क्यों बंद है। नेक्स्ट जाके बोल रहे भैया सुनो ना, उस पे 9 करो ना। एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा, वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर वुमेन सेफ्टी, आई वाज लाइक नाइस दिस इज गुड। बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आई वाज लाइक नहीं। अगर दिल्ली जाग रहा तो वुमेन सेफ नहीं है। Women safe नहीं है दिल्ली। मैंने न्यूज में पढ़ा, a 32-year-old Delhi guy killed his wife with the help of his girlfriend. That's terrible, right? That's heartbreaking. कि दिल्ली वाले के पास दो-दो बंदी हैं। Heartbreaking? मुझे लगा कि वो सच में उस मतलब मर्डर किया है, इसके बारे में वो उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि दिल्ली में मर्डर हुआ है, ऐसा हुआ है सब। नहीं, उसके पास गर्लफ्रेंड है और उसके पास बीवी थी, ये उसको बुरा लगा। वाह, इसे कहते हैं गजब के सिंगल्स। फॉर यू गाइस, मेरे में 4 अलाउड। 4 अलाउड। एंड मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर पैनल में, उस पे लिखा हुआ है अवॉइड मिसयूजिंग ऑफ वाटर। मिसयूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना। मिसयूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से, उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी। गवर्नमेंट इज लाइक, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे, पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया? वाटर कैनन लेके उनके मुंह पे पानी मारा। सरप्राइज मदरफकर। किसानों को पता नहीं इससे भागना था, देख पानी। कुछ किसान पीछे नाच रहे गाना। फिर उन लोगों ने, सर आपने टीयर गैस मारने बोला था तो मारो ना, सर पहले से ही रो रहे। ये सब चल रहा है। और मिसयूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिसयूज, वेस्ट होता है। पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था, एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आई एम अंडर ट्रेनिंग, ये नहीं बोलना चाहिए था। मेकिंग, सी लाइक मेकिंग बॉम्ब इट्स नॉट इजी, आई थिंक इज एज डिफिकल्ट एज मंदिर बनाना। नो, आई टेल यू लाइक एजुकेटेड हिंदूज डोंट वांट मंदिर बन, right? Agree. Uneducated Muslim don't know bomb kaise bane. Cause it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it. Okay. Told you, na. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book. उसके कुछ दिन के बाद वो बुक मेरे डैड को मिली। नाउ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस शिट, बिकॉज उस पे सब्जेक्ट में मैंने लिखा था हाउ टू मेक बॉम्ब। डैड ने कॉल करके घर पे बोला मेरा गांड फटा। लाइक जैसे ही मैं घर पे गया, बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बुक मेरे मुंह पे फेंक के मारा। इट्स लाइक कौन सिखा रहा है बकवास तुझे, इसमें मेन आइटम मिसिंग है।
That main item was political support. Of course, if you find the funny, it's a joke. तो आपको वीडियो एक ऐसी लगी और आपको भी थोड़ा बहुत मजा आया होगा. ऑफ कोर्स इसे सीरियसली मत लेना, इट्स अ जोक. तो मेरा रिएक्शन कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में किस पर बताऊं बनाऊं वो भी मुझे बता देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.